हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज इन्हें सब्सक्राइब कर लेना गाइस। वो भी दिन क्या दिन थे। एक बार जब सिद्धार्थ ने कहा कि शहनाज को गिफ्ट आज ही दे दूं या 27 को दूं, तो फैंस ने जश्न मनाया था। सच में मतलब ट्विटर पर ऐसे पार्टी की थी ना, इतने खुश थे सब, सब ने ट्रेंड किया था। मतलब कुछ अलग ही माहौल था। कब की ये बात आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखिए, जब सिद्धार्थ ब्रोकन बट ब्यूटीफुल की शूट में बिजी थे तब की बात है ये। तो वैसे तो यूजुअली फैंस सिद्धार्थ से नहीं मिल पाते थे, लेकिन उनका शूट था लगातार और फैंस सेट पे मिलने के लिए जाते थे। तो ऐसा था क्योंकि वेब सीरीज़ की शूट थी तो एक जगह तो रहती नहीं थी, कभी कहीं कभी कहीं। तो ऐसे में कभी कभी फैंस को पता चल जाता था कि भाई आज वहाँ शूट चल रहा है, तो कुछ फैंस जो पास में हैं जा सकते हैं, मिलने पहुंच जाते थे। काफ़ी दूर से भी आते थे कई बार। एक बार तो फैंस को रात हो गई, मतलब 2-3 लोग थे वो ग्रुप में, एक आंटी थी और एक लड़की थी कम एज की। तो सिद्धार्थ को लगा कि भाई रात हो गई है, इन्हें कन्वेंस की दिक्कत हो सकती है। तो सर सिद्धार्थ ने ऑफ़र किए थे उन्हें कि भाई वो छुड़वा देंगे, क्या वो सेफली घर पहुँच जाएंगी। तो उन लोगों ने कहा कि वो पहुंच जाएंगे। फिर भी सिद्धार्थ ने श्योर किया कि अगर कोई दिक्कत है तो सिद्धार्थ हेल्प करेंगे, ज़रूर छुड़वाएंगे उन लोगों को। फैंस को 2-3 घंटे वेट करना पड़ता था सिद्धार्थ से मिलने के लिए, और इस चीज़ का सिद्धार्थ को भी काफ़ी बुरा लगता था कि फैंस इतना वेट करते रहते हैं। वो कोशिश करते थे कि बीच में टाइम निकाल कर फैंस से मिल लें, क्योंकि ऐसा था बहुत बिजी शेड्यूल रहता था उस टाइम सिद्धार्थ का। तो एक बार शहनाज के बर्थडे के पास कुछ फैंस मिलने के लिए पहुंचे, एक सिडनास फैंस का ग्रुप। वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके गए थे, सिद्धार्थ के लिए भी थे और शहनाज का बर्थडे आ रहा था तो शहनाज के लिए भी थे। देखिए, सिडनास फैंस और वो सिडनास की बातें ना जाने, ऐसा कैसे हो सकता है। सबको पता था भाई सिडनास साथ में रहते हैं। एक्चुअली जो फैंस गिफ्ट भी भेजते थे ना, तो उन लोगों को भी पता रहता था। देखिए, सब लोग इतने समझदार होते हैं, मतलब सब नहीं लेकिन लोग समझदार होते हैं कि उन्हें चीज़ों का पता रहता है काफ़ी, लेकिन वो इस तरह से सोशल मीडिया पर उस चीज़ का, मतलब ऐसे नहीं है कि भाई हाँ दिखाएंगे ये वो, वहाँ गिफ्ट जा रहे हैं, वहाँ भेजने पड़ते हैं, ये होता है वो होता है, नहीं। तो उन लोगों का बताती हूँ, वो काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके गए, वो सिद्धार्थ से मिले। उन्हें काफ़ी वेट करना पड़ा, वो सिद्धार्थ से मिलकर काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बातें की। फिर आई शहनाज के बर्थडे की बात, तो उन लोगों ने कहा ये गिफ्ट्स उन्हें शहनाज को देने हैं, शहनाज का बर्थडे आ रहा है। तो सब ने जो भी गए थे, एक काफ़ी बड़ा बैग दिया था भर के, और भी गिफ्ट्स वगैरह थे शहनाज के लिए। तो उन्होंने सिद्धार्थ को कहा कि शहनाज को देना। तो सिद्धार्थ का रिप्लाई था फैंस से कि आज ही दे दूं या 27 को ही देने हैं। और सिद्धार्थ स्माइल कर रहे थे, जिस तरह से फैंस ने बताया पूरी मीटिंग के बारे में, अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया सभी फैंस के साथ ट्विटर पर। तो फैंस इतने खुश हुए, बल्ले बल्ले, सबकी बल्ले बल्ले हो गई भाई। सिद्धार्थ ना इतना खुल के फैंस से मिल रहे थे और स्पेशली ये बोल रहे थे कि भाई आज ही दे दूँ या 27 को, तो फैंस बहुत खुश हुए। सच में पार्टी हो गई फैंस की। सिडनास की यादें बहुत खास हैं। आपकी कौन सी खास याद है सिडनास की, वो कमेंट करना आप लोग।